हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी और राखी के मजेदार रसोई में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी गाढ़ी और एकदम मलाईदार मखाने की खीर बनी है और इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। बिल्कुल एक सार लग रही है यह खीर और यह मुंह में जाते ही घुल जाने वाला डेजर्ट है जिसका स्वाद आप बहुत देर तक नहीं भुला पाओगे। इसे हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा मतलब कि शरद पूर्णिमा को बनाया जाता है और इसे हम लोग छत पर रखते हैं चांद की रोशनी में। कहा जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है यह। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने मेजरिंग कप से 2.5 कप मखाने लिए हैं और साथ ही मैंने लिए हैं 6 से 7 काजू, 6 से 7 बादाम और थोड़े से सूखे नारियल और 1/4 कप चीनी ली हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और 3 से 4 छोटी इलायची है, इसे मैं चीनी के साथ ही रख लेती हूँ। और उसके साथ चाहिए हमें घी और दूध, तो मैं 1 लीटर दूध ली हूँ। तो सबसे पहले हम काजू, बादाम और नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और चीनी को इलायची के सहित ही पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। अब घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो घी हमारी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें मखाने ऐड करूंगी और इसे हमें क्रिस्पी होने तक भून लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मखाने भुन चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिए हैं, अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मैं वापस से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी और मैंने जो यह काजू, बादाम और नारियल को काट कर रखे हुए हैं उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे हल्का सा बस लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए हमारे काजू भुन चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसी कढ़ाई में दूध डालूंगी। तो दूध को हमें बहुत ही सावधानी से डालना होगा क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो दूध के छींटे पड़ सकते हैं। तो अब हम दूध को उबलने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम मखाने को देख लेते हैं। तो अब हमारे मखाने ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इसे मिक्सी में बस थोड़ा सा इसे हल्का सा दरदरा कर लूंगी। तो देखिए मैंने इसे दरदरा कर लिया है, ये पूरी तरह से महीन नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से छोटे छोटे दाने हैं और इससे ज्यादा हमें बारीक नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर बस यूं ही चलाते हुए लगभग 10 मिनट के लिए पका लूंगी जिससे दूध थोड़े से गाढ़े हो जाए। तो फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट के बाद देखिए दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें भुने हुए मखाने जिसे मैंने दरदरे कूट कर रखे हुए हैं उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ मैं भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दूंगी और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए और पका लूंगी। तो फ्रेंड्स, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे मखाने की खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। यह देखिए, यह कितने अच्छे लग रहे हैं, हमारे खीर कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपकी खीर इस तरह से गाढ़ा ना हुआ हो तो आप थोड़े देर और पका सकते हैं और यह ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसमें जो मैंने चीनी और इलायची को पीस कर रखा हुआ है उसे ऐड कर दूंगी। मैं इसमें आधी चीनी ही ऐड करूंगी क्योंकि उतना मीठा इसमें काफी होगा। अगर आप थोड़े से ज्यादा मीठे की शौकीन हो तो आप पूरी चीनी डाल सकते हो। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी और इसमें 1 उबाल आने दूंगी जिससे चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए और खीर में एक सा मिठास आ जाए। तो देखिए हमारे खीर में उबाल आ चुका है, तो मैं एक बार इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं गैस ऑफ कर लूंगी और इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। तो अब मैं अपने स्वादिष्ट मखाने की खीर को इस बाउल में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
तो अब मैं इसे तले हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेती हूँ। तो फटाफट से इसे ले जाकर मैं छत पे रखूंगी चांद की रोशनी में। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।